बस थोड़ा और मेरा सुपर बर्गर तैयार हो जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। पैक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हो? मेरा कहना है कि तुम्हारे बर्गर को अधिक हेल्दी बनाया जाए और इसमें थोड़ी ब्रोकली मिलाए। इसे मीठा बनाना बेहतर है और इसमें अलग अलग चॉकलेट और गमी डाले। यह वास्तव में स्वादिष्ट होगा। कुछ अच्छी चीज डालना बेहतर होगा, जैसे कि झींगा, किसी सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह। बस करो, यदि आप खाना बनाना चाहते हैं तो चुनौती में आपका स्वागत है। ओह, हम कहाँ हैं? जाहिर है हम वास्तव में यहाँ कुछ पकाने जा रहे हैं। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओ, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो यह कैसे किया जाता है। देखो, ओह मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा, एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है, बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, फेज, अब समय है इसे चक्कर देखने का। हाँ, आखिरकार यह सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ, और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इसे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। लो, कर लो बात, दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे।
और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पोता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। ओके। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ, इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है, बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी, क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आह, इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ, ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी, बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के। वाह, ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही, बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेडमैन को तैयार करूंगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा, यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी, थोड़ा इंतजार करो। तड़ाम, शरा देखो मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए, ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है, और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह ठीक है, आँखों के लिए कैंडी की जरूरत है, और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूँ? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है। पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा,
ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान, यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है, फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया, और बस इन सब को आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, ये चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है, सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कलिनरी स्किल के लिए बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से। यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया। इस तरह से।
दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा, तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए, इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है, कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा, रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाओ, एमा तुमने क्या किया है, केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है। यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बच्चा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है, यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा, वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी ठीक केक पर, इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी, नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ इस तरह से। हाँ आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बेटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेश आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर तैयारी हो गई है, अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ देखो, कुकिंग के समय यह शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया,
तो चलो आप शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार चुनौतियों को मिस ना करने के लिए मल्टीडू को सब्सक्राइब करें। आगे यह और भी दिलचस्प होगा।